इन्वेंशन ऑफ वाइटा वंक, इन्वेंशन किसका किया गया है, वाइटा विटा वंक। मिस्टर विली वोंका बिगेन्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग बिगेन्स बाय इन्वेंटिंग वोंका विटा। उसने क्या ढूंढा है पहले, वोंका विटा, विच मेक्स पीपल यंगर। इससे क्या होता है, वोंका विटा से, वोंका विटा से क्या होता है, लोग क्या होते हैं, यंगर हो जाते हैं, एज कम हो जाती है। बट वोंका विटा इज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग था, सो सम पीपल डिसअपियर। कितने लोगों की डेट इतनी कम हो गई कि वो दिखने ही बंद हो गए, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, बिकम एज किसमें चली गई, माइनस में चली गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, एक तो कितना हो गया, माइनस 87 हो गया, विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 इयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। 87 इयर्स को से वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर आएगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। तो अभी वोंका विटा की इफेक्ट कम करने के लिए या उल्टा करने के लिए उससे कुछ नया ढूंढना था, तो वो दूसरा कुछ वाइटा वोंका ढूंढने निकलता है। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। एक बार फिर स्लीव चढ़ा के मैं काम पे बैठ गया। Once again I squeeze my brain searching for a new recipe. कुछ नया ढूंढने बैठ गया। I had to create age. अभी एज बढ़ानी थी। To make people old. लोगों को क्या करना है, अभी ओल्ड बनाना है, ओल्ड ओल्डर या ओल्डेस्ट। I cried. For now the ideas were beginning to come. What is the oldest living things in the world? दुनिया में सबसे ज्यादा ओल्ड थिंग क्या है? What lives longer than anything else? क्या ज्यादा जिंदा है? A tree, चार्ली से, तो उसका एक कंपेनियन है, उसका नाम है चार्ली, ट्री बहुत जिंदा है। राइट, यू आर चार्ली, बट what काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, not the cedar, no my boy, it is a tree called the bristle cone pine. Kis tree ki baat kar raha hai? Bristle cone pine ki baat kar raha hai, that grows upon the slopes of Pillar Peak in Nevada, USA. You can find bristle cone pines on Pillar Peak today that are over 4000 years old. Kitne purane hain? 4000 years old purane bristle cone pine trees hai. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist, ke jo tree ki age measure karte hain, unko pucho. Dendrochronologist, you like and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? Ab ghar jaoge to dendrochronologist kya hai wo bhi dekh lena. So that started me off. I jumped into the great glass elevator. Isme jata hai wo great glass elevator mein ja raha hai. And rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. Theek hai, special item कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। अब ये सब चीजें कलेक्ट कर रहा है वो। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कॉर्न पाइन। ठीक है, सैप इकट्ठा करता है हाफ अ लीटर। द टो नेल क्लिपिंग्स, नेल जो होते हैं टो के नेल, उसके छोटा सा पार्ट,
from a 160 year old Russian farmer called Petrovich Gregorovich का नाम है उस फार्मर का. टोनेल क्लिपिंग इकट्ठा कर रहा है. An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. एक egg इकट्ठा कर रहा है. 200 years old tortoise का है. The tail of a 51-year-old horse in Arabia. Horse tail ले रहा है. The whiskers of The whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets. उसके whiskers के बाल इकट्ठा कर रहा है. An old flea which had lived on Crumpets for 36 years. और उसके साथ जो ये Crumpet है, जो cat है, उसके साथ जो flea रही थी, उसको भी उसने ले लिया है. The tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. ठीक है, giant rat की tail ली है. The black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave on Mount Popocatepetl. Popocatepetl ये एक mountain है, उसके ऊपर जो रह रहे 97 years से रह रही थी. ग्रिमलकिन मतलब कैट है, उसका टीथ लिया है, ब्लैक टीथ. द नकल बोन रह रहा है ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटालू फ्रॉम पेरू. कैटल का नकल बोन रह रहा है. ये सब इकट्ठा कर दिया उसने. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each of them. बहुत सारे animals को track किया मैंने और कुछ ना कुछ चीजें उनमें से मैंने ली है. A hair or an eyebrow or sometimes It was no more than an ounce or two of the gem scraped from between its toes while it was sleeping. ठीक है, मतलब एनिमल का कुछ ना कुछ उसने हेयर किया, कलेक्ट किया, आईब्रो कलेक्ट किया है, या कुछ स्क्रैप उसके लेग में लगा हुआ है वो कलेक्ट कर लिया है. आई ट्रैक्ड डाउन द विसल पिग. एनिमल्स का नाम है सर, उसको भी ट्रैक किया मैंने. द बबलिंग एक बर्ड है, सिंगिंग बर्ड. द स्क्रॉक ये भी एनिमल है. द पोली फ्रॉग टाइप का फ्रॉग है. द जायंट कलिक. द स्टिंगिंग स्लग, स्टिंग करने वाले स्लग है स्नेल की तरह. एंड विनमस Venomous squirrel, snake जो होते हैं, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. 50 yards से भी वो poison आपके eyes में मार सकते हैं. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and tasting in my inventing room, I produce one tiny cup full of क्या बनाया, one tiny cup full of oily black liquid and gave four drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. ठीक है, cup full ऑयली ब्लैक लिक्विड बनाया है और उसको दिया है वो ओम्पा लुम्पा को, वो वॉल्यूंटियर है टेस्ट करने के लिए. उसकी एज कितनी थी, 20 इयर्स, 20 साल का था.
What did happen, Chalias? तो क्या हुआ? It was fantastic, right, Mr. Gonka? The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over poor, and his hair started dropping off and his teeth started falling. ठीक है, वो ऐसे wrinkling wrinkle होने लगा उसकी बॉडी, shriveling all over, उसकी बॉडी में चेंज आने लगे, उसके सारे हेयर थे, बाल थे, गिरने लग गए और दांत भी गिर गए. एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75. और कितने एज हो गई उसकी? 75, 20 इयर्स से डाइनिंग 75. एंड दस माय डियर चार्ली वाज विटा वोंका इन्वेंटेड. और इस तरह से क्या हो गया? विटा वोंका वोंग, विटा वोंग इन्वेंट हो गया. रोल्ड डाल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. डेड एंड द कैट एंड द ट्री. डेड एंड द कैट एंड द ट्री, इसके बारे में पोएम है. This morning a cat got stuck in our tree. क्या हुआ था? जो cat है वो tree पे stuck हो गई थी, यहाँ fix हो गई थी, बैठ गई थी. That said, right, just leave it to me. That क्या कह रहा है? सब मेरे पे छोड़ दो, मैं उसे बचा लूँगा. The tree was wobbly. The tree was tall. Tree wobbly हो रहा था, इधर उधर हिल रहा था and tall था. Mom said, for goodness sake, don't fall. ठीक है, प्लीज गिर मत जाना. इसलिए से मॉम उसे ना बता बोल रही और रिक्वेस्ट कर रही. Fall, scoffed dad. तो डैड उसपे बोल रहे हैं कि क्या मजाक कर रहे हो क्या? A climber like me, child's play. This is You wait and see. मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये चाइल्ड प्ले है. आराम से बच्चों की तरह ऊपर जाऊंगा और कैट को नीचे ले आऊंगा. तो आप लोग सब जस्ट वेट करो, देखो. He got out the ladder from the garden shed. लेडर निकाला जिसपे ये चढ़ रहा है शेड से. It slipped. He landed in the flower bed. लेकिन क्या हो गया? स्लिप हो गई वो और फादर फ्लावर बेड पे गिरे, ग्राउंड पे गिरे. नेवर माइंड से डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. लेकिन जैसे ही गिरे फिर से खड़े हो गए और बोला के धूल निकालते हुए अपने शर्ट से या फेस से ट्राउजर से शर्ट से धूल निकालते हुए बोले टेंशन नहीं लेना है. नेवर माइंड, We will try plan B. अभी क्या करेंगे? Plan B यूज करेंगे. Stand out of the way. Mom said, don't fall again. Okay? हट जाओगे, plan B करेंगे. Mom फिर से समझा रही है. Don't fall again. Okay? फिर से मत गिर जाना. Fall again? Say dad. Funny joke. क्या बात कर रहे हो? Joke कर रहे हो? Then he swung himself up on a branch. It broke. ठीक है, वो कहां पे चढ़ जाते हैं? ब्रांच पे चढ़ जाते हैं. लेकिन ब्रांच क्या हो जाती है? टूट जाती है. Dad landed well up. सीधे नीचे गिरते हैं. Back on the deck. Mom said, stop it. You will break your neck. ठीक है, इस तरह से गिरते हैं कि मॉम को चिंता होती है तो आपका नेक ना टूट जाएगा, गला वाला ना टूट जाएगा. आप इससे अच्छा है बंद कर दो. रबिश से डेड. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. अब प्लान सी ट्राई करेंगे हम. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. ठीक है, जो विंक करते हैं जितना इजी है उतना इजी है मेरे लिए प्लान सी.
देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. अभी कहां पर चढ़ गए? गार्डन वॉल पे चढ़ गए. गेस व्हाट ही डिडंट फॉल. ठीक है, वहां से नहीं गिरे, दीवार पे तो चढ़ गए. ही गेव अ ग्रेट लीप एंड had landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. और वहां से उन्होंने जंप मारा और सीधे कहां बैठ गए? जो ट्री ट्रंक था, crook of the tree trunk, right on the cat, जहां पे cat बैठी थी वहीं पे सीधे जाके बैठ गए. The cat gave a yell, और so cat डर गई और चिल्लाई. एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और कैट जंप लगा के सीधी कहां पे आ गई? ग्राउंड पे आ गई. प्लीज्ड एज पंच, बहुत खुश थी. टू बी सेफ एंड साउंड, बहुत सेफ थी और सेफ नीचे आ गई थी. सो इट इज स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज कैन बी. बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री. कैट तो सेफली नीचे आ गई, खुश भी है. ठीक है, बट क्या हुआ? द पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, और डैड अभी वहां पे फंस गए ट्री पे. हिट राइट right.